बड़ी कंपनी हाथ डालो उसमें देखो बड़ी। और आज आपको दिखाएंगे सरकारी जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल करने का कारण यह था कि उनको ना ही पीएफ का पैसा मिल रहा था और ना ही उनको माकूल तनख्वाह मिल रही थी। गंदगी जो आप देख रहे हैं, सुबह का नजारा बाखूबी आपको हम दिखा रहे हैं, चंद घंटों में ही गंदगी का अंबार लग गया। लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी कि हमसे जो टकराएगा वो झाड़ू पंजा खाएगा। हम आपको विस्तार से दिखाएंगे जिला सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने किस अंदाज में बजाया बिगुल। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, अस्पताल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। और बाखूबी आप देख रहे हैं कि नए भाजपा सांसद अरुण सागर के बैनर के नीचे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा और क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुनवाते हैं। आज ये जो धरना प्रदर्शन किया है हम लोगों ने, ये उत्पन्न स्थिति आज से नहीं, बहुत काफ़ी समय से हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा था। हमारी इससे 15 दिन पहले भी जब वार्तालाप हुई थी तो उन्होंने कहा कि इनकी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा और इसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन हमारा धैर्य जब टूट गया, हमारे कर्मचारियों के ऊपर ये दुगना शोषण करने लगे, जब इन्होंने अपनी मांग रखी तो इनके ऊपर दबाव बनाने लगे काम का और कहने लगे कि तुम लोग प्राइवेट कार्य करते हो, तुमको तत्काल हटा देंगे, हम दूसरे लोगों को लगा लेंगे। हम बरसों से काम कर रहे हैं, हमारा करीब 2-2.5 साल का APF था, उसको जमा करने के लिए जब कहा गया तो इन्होंने क्या करा है कि किसी के खाते में 2000, किसी के खाते में 3000 रुपये डाल दिए, लेकिन पूरा APF का पैसा जमा नहीं किया गया। जो पैसा काटा गया, हमारा काटा गया, वही जमा कर दिया गया। जो कंपनी को जमा करना था वो पैसा अभी तक इन्होंने जमा नहीं किया। और सैलरी में कभी किसी के 700 रुपये काट लिए जाते, किसी के 800 रुपये काट लिए जाते हैं। अगर कोई कर्मचारी कहता मेरे ऐसे पैसे कम कैसे आए, तो बाद में उसको समझा दिया जाता कि अरे रुक जाओ, अगले महीने में आपके पैसे पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं किए जाते। और इसमें पूरा अस्पताल प्रशासन भी मिला हुआ है। ये जो कंपनी यहाँ पे ठेका चला रही वो तो है ही है, लेकिन इसमें भूमिका पूरे जिला प्रशासन अस्पताल के कुछ अधिकारियों की भी है। और सुना आपने, और अब हम सुनवाएंगे कि जिला सरकारी अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, जरा वो भी सुनते। ये सब प्राइवेट है, ये सब हमारे सदस्य हैं, सारे सदस्य तो हैं, लेकिन चलो हाथ बड़ी कंपनी हाथ डालो उसमें जी, बड़ी कंपनी तो डाला हमने भी डाला, लेकिन कम से कम शोषण न करें, आप पैसा कमा रहे हो। ईपीएफ का जो कागज दिया था तो क्या गलत किया है? एक्चुअली सर गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं 2017 से काम कर रहा हूँ लेकिन हमारा पीएफ सिर्फ 2018। और सुना आपने, उनका कहना यह था कि ठीक है बड़ी कंपनी है तो हाथ डालो, लेकिन कुल मिला के मेडिकल कॉलेज तो बन गया लेकिन सुविधाएं अभी नाम मात्र ही हैं।